ਕਰਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਚ ਜੋ ਨਿਉਂਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਧੁਣ ਜਾਇਰਾ ਖਾੜੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਆਸ प्रगट पानी हारी बीमारी दूर रखनी मार
Thank you.
ਕਾਰਡ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 8, 9, 10 ਮਈ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਕਸ ਹੈ 8, 9, 10 ਮਈ 8 ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਚੱਡਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਚੱਡੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁਠੇੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਿਨੋਦ ਚੱਡਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਿਨੋਦ ਚੱਡਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਦੰਗਲ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਨਕੀ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਸ ਮੇਂ स्वागत है अभिनंदन है आज हमारे इस लवाण मेला मोरसिंगी के तीसरे दिवस पर हमने यहाँ छिंज का आयोजन किया हुआ है पीछे दो सांस्कृतिक नाइट्स हो गई हैं तो आज के हमारे इस छिंज के जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं हमारे इलाके की शान है और हमारे बहुत ही नज़दीक कोठी पंचायत जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है हमारे मैं बताना चाहता हूँ कि वो हमारे डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी जी जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन रह चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए गौरव की बात है कि वो आज हमारे बीच में है मैं उनका यहाँ पर समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से और अपनी समस्त मेला कमेटी की ओर से यहाँ पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इनको बेस्ट सिटीजन अवार्ड से जो है नवाजा हुआ है ये भी बहुत बड़ी गौरव की बात है और दूसरा इनको राष्ट्रीय गौरव अवार्ड भी जो है भारत सरकार ने इनको दिया हुआ है तो मैं चाहूंगा सब पूरे इलाका वासियों से कि वो एक बार जोरदार तालियों से जो है हमारे मुख्य अतिथि का यहाँ पर स्वागत करें ये मेले जो है इन्हीं हमारे मुख्य अतिथि जो है वो उस वो हार की तरह है जिसमें वो डायमंड्स होते हैं ना वो डायमंड्स हैं ये हमारे तो इनके लिए जोरदार एक बार दोबारा से तालियों से इनका स्वागत करें धन्यवाद थैंक यू कितने जोड़ियां कोई पवित्र धरती को मेरा नमन और यहाँ पर जितने भी जनमानस यहाँ इकट्ठा हुआ है क्योंकि सबके नाम लेना मुझे बहुत मुश्किल है बहुत सारे ऐसे यहाँ सज्जन हैं उनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ तो उनको भी नमन विशेषकर मेला समिति के सदस्य मेला समिति के प्रधान उप प्रधान उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं
क्योंकि ये सारे जो मेले हैं और ये कुश्ती है, ये भारतवर्ष की विशेषता है, भारतवर्ष के वैल्यूज हैं। जब तक ये वैल्यूज जिंदा रहेंगे, भारतवर्ष की विशेषताएं जिंदा रहेंगी, तो भारत एक राष्ट्र के रूप में रहेगा। सांस्कृतिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास का होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष अब ऊंचाइयों को छू रहा है। जहाँ तक सांस्कृतिक संयोजन का काम आप सभी कर रहे हैं, उसके साथ साथ भारतवर्ष अब पांचवें ऐसी अर्थव्यवस्था बन गया है जिसपे हमें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए। विशेषकर कुश्ती के इस सारे दंगल को आयोजन करने के लिए जब बात करें तो भारतवर्ष की ये विशेषता रही है। त्रेता युग में देखें तो भगवान बजरंगबली एक ऐसे पहलवान के रूप में जाने गए जिन्होंने की सारी व्यवस्था को, जो बुराइयां थी उनको दूर कर दिया। और द्वापर में देखें तो दाऊ और भगवान कृष्ण ने सारी बातें निभाई हैं। आज भी ये दंगल का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर दंगल जो सभी एंजॉय कर रहे हैं, सबसे पहले इनको तालियां देनी चाहिए, सबको तालियों से इनका स्वागत करना चाहिए जो यहाँ पर हैं। और ये बजरंगबली के रूप में जो पहलवान हैं, इनके लिए भी तालियां आप सबको बजानी चाहिए क्योंकि इन्होंने इस संस्कृति को जिंदा रखा है। लेकिन इनके लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। बातें वो है कि आजकल कुछ कंट्रोवर्सी पहलवान और सारे इनमें चली हुई है और इस पहलवानी में किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स और राजनीति आनी नहीं चाहिए, तभी ये विशेषता भारतवर्ष की बची रहेगी। यदि इसमें राजनीति आएगी तो ये विशेषता खत्म हो जाएगी। मैं आपको सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर राहुल चौहान जी जो प्रधान है मेला समिति के, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे से बात करने जो आप मेरे साथी यहां पर विनोद शर्मा जी हैं, उन्होंने बात की और के आर रतन जी ने बार बार बात की कि आपने यहाँ आना है, तो मुझे आपने अवसर दिया। मेला समिति के सभी समस्त सारे सदस्यों को मेरा साधुवाद। और मैं इस मौके पर, इस अवसर पर जब आपने मौका दिया है, तो मेरे मन की भी इच्छा है कि आग्रह पूर्ण मैं आपको कुछ सहयोग के राशि के रूप में दूं, तो मैं 11,000 रुपये इस मेला कमेटी को देना चाहता हूँ। ये हमारे बगल में यहाँ प्रधान जी है, मैं उनको ये राशि भेंट कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया, अवसर दिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ने स्थान हासिल किए हैं, हम उनको सम्मानित करेंगे, पुरस्कार भी देंगे उनको और कुछ राशि भी उनको देंगे। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि से निवेदन है कि हमारी समस्त मेला कमेटी के साथ हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों को सम्मानित करें। तो फर्स्ट प्राइज जो हमारा आज अंडर 14 में मिला है वो है हमारे मोहित जी दाबला से, तो इनको बहुत बहुत बधाई। और जो अंडर 14 ग्रुप का जो सेकंड प्राइज जो है वो अमन मोर सिंगी से जो है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। पूरी कमेटी की ओर से इनका धन्यवाद करता हूं कि वो आज इन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके नलवाड़ मेला मोर सिंगी यहां पर दिया, आकर के दिया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे राजेंद्र गर्ग जी के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
और मैं समस्त कमेटी मेंबरान को से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आकर के हमारे राजेंद्र गर्ग जी को सम्मानित करें टोपी और मोमेंटो से। सभी नलवाड़ मेला मोर सिंह के कमेटी मेंबर्स आकर के हमारे इंदर रिटायर्ड प्रिंसिपल इंदर सिंह जी, उनके साथ हमारे पटेल पंचायत के पूर्व प्रधान श्री सुरेश जी, सभी आकर के सम्मानित करेंगे। बोलोगों का जहार पीर की, लखदाता पीर की। आज यहाँ पर मोर सिंगी में आयोजित इस नलवाड़ मेले के समापन की ओर बढ़ रहे इस कुश्ती प्रतियोगिता में, जिसका शुभारंभ आज हमारे पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहे हमारे डॉक्टर सुरेश सोनी जी और इस दंगल के इस नलवाड़ के अध्यक्ष भाई राहुल जी और इनकी समस्त टीम और इस इलाके की हमारी समस्त जनता, समस्त प्रबुद्धजन बंधुओं, मेरे युवा साथियों और सभी यहाँ पर उपस्थित पहलवान साथियों, मैं धन्यवाद करता हूँ इस नलवाड़ कमेटी का कि जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया और बहुत ही उत्साहवर्धक तरीके से यहाँ पर ये जो नलवाड़ मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति ये दर्शाती है कि हम लोग अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ आज भी उसी लगाव के साथ जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है उसको संवर्धन करने के लिए आप सबका बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है। नलवाड़ मेला अभी आप सबका रुचि जो है इस पर निगाहें टिकी हुई हैं, इसलिए इस अवसर पर कोई ज़्यादा मेरा बोलना उचित भी नहीं है। आपने यहाँ मुझे बुलाया, इसके लिए पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इस आयोजन समिति को और शुभकामनाएं देता हूँ, इलाका वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी ओर से इस दंगल के लिए, इस कमेटी के लिए 11,000 रुपए की राशि भी मैं समर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।